छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राममय हो गई है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उससे एक दिन पहले कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किया। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और उससे पहले कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राममय हो गई है। रायपुर में कांग्रेस ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। गांधी मैदान स्थित जिला कांग्रेस भवन में ये आयोजन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि ये आयोजन बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए किया गया है। हिंदू धर्म, संस्कृति और सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में कम से कम वो लोग हमको न बताएं। हम लोग क्योंकि छह सूत का जो जनेऊ पहनते ना हम लोग, ये हम लोग जानते कि इसकी कीमत क्या होती है। 16 संस्कार होते हैं ना, ये हम लोग संस्कारवान लोग हैं, हम लोगों को ये कृपया न बताएं। अभी जो नया में ये हिंदू बने हैं ना, वो पहले पूरा संस्कृति धर्म ज्ञान को पहले पढ़ लें, उसके बाद हमको हमारे बारे में बात करें। कांग्रेस पहले हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड 22 जनवरी को करने वाली थी, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की सलाह के बाद कार्यक्रम की तारीख बदलकर 21 जनवरी की गई। देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ आराधना है, वो चल रहा है। कांग्रेस भवन में ही जो हनुमान मंदिर है वहाँ परिसर से सद्बुद्धि पाठ है वो किया जा रहा है बाकायदा। और ये आयोजन सिर्फ रायपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में आह्वान किया है कांग्रेस ने। और एक सद्बुद्धि यज्ञ है, जो प्रार्थना है वो यहाँ पर सतत जारी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।